हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड तूफान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डे 3 के कलेक्शन के बारे में और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के डे 3 के बारे में। तो ये मूवी ने आज जो कलेक्शन जो आ रहा है वो ब्लॉकबस्टर कलेक्शन आ रहा है। द यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक में हमें विकी कौशल, यामी गौतम और परेश रावल जैसे बड़े स्टार देखने को मिले थे। यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने डे 1 में 8 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया था। ऐसे यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी ने रिव्यू अच्छा मिलने की वजह से उसका डे 2 का और ग्रोथ बढ़ा। उसका जो कलेक्शन ऑफिशियल कलेक्शन आया था वो 12 करोड़ 43 लाख आ रहा था। और ये सब मिला के अब जो डे 3 का कलेक्शन आ रहा है वो 16 करोड़ 50 लाख आ रहा है। जी हाँ, 16 करोड़ 50 लाख। ये मूवी ने सुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर हो गई है। अब हम बात करते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के डे 3 के बारे में। ये दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी। ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म में अनुपम खेर, अक्षय खन्ना जैसे स्टार थे। इसको 1300 स्क्रीन मिली थी इंडिया में और 140 स्क्रीन वर्ल्ड वाइड में मिली थी। इसकी स्क्रीन काउंट टोटल 1440 थी। तो इसका डे 1 का कलेक्शन जो था वो 4 करोड़ 50 लाख का था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का। इसका डे 2 का कलेक्शन 5 करोड़ 50 लाख और जो डे 3 का कलेक्शन आ रहा है वो 6 करोड़ 50 लाख आ रहा है। इसी के साथ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जो टोटल कलेक्शन होता है वो 16 करोड़ 50 लाख होता है। ये दोनों फिल्म ने बहुत ही ग्रोथ आया है आज के दिन में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल।